एस या फिर एस एस सी जेई, इन तीनों में से कोई एक मिल जाए तो एक इंजीनियर की लाइफ सेट हो जाती है, और मुझे लगता है कि आपके भी हो सकती है अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो। और इस मेहनत को पंख देने के लिए मैं साथ हूँ आपके, और आपका हम सफर बन करके आपके उस मंजिल तक जाने के लिए आपके रास्ते पर मैं चलूँगा। तो दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे गेट ESC या फिर SSC JEE जो होने वाला है 2020 का, ये वाला जो एग्ज़ाम होगा इसका सिलेबस आपको पता है और आपके पास एटलीस्ट 3 से 4 महीने बचे हुए हैं, और इन 3 से 4 महीनों में ही आपको मेहनत करनी है और इसी मेहनत से आपको आगे बढ़ना है। तो हम लोग ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए चलेंगे सीधे अपने सिलेबस पे, और हम लोग शुरू करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन। और थ्योरी ऑफ मशीन का जो पहला चैप्टर है आपको पता है कि वो है थ्योरी ऑफ सिंपल मैकेनिज्म। देखिए थ्योरी ऑफ सिंपल मैकेनिज्म में आपका जो पहला टर्म आता है वो है मैकेनिज्म का, यानी हमें इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है मैकेनिज्म के बारे में। तो जो मैकेनिज्म आपको पढ़ना है उस मैकेनिज्म में सबसे पहली चीज़ आपको जान लेनी है कि मशीन क्या है। अगर आप मशीन को जान लेंगे तो फिर आपको चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। तो चलिए मशीन को जानते हैं कि पहले एक्चुअली मशीन क्या है। देखिए आपने जितनी भी मशीनें देखी होंगी नॉर्मली सारे लोग इससे अवेयर होंगे, सारे लोग इससे मिल चुके होंगे। और जो मशीन होती है अगर उसकी बात करें तो वो बहुत सारे पार्ट्स या बॉडीज से मिलकर के बनती है। और मशीन का काम क्या होता है, मशीन एक्चुअली करती क्या है, ये मेन आपके लिए जानना जरूरी है। तो मशीन को देखेंगे तो ये क्या है, एक तरीके की डिवाइस है। अगर आप इसको एक मशीन मानते हैं, दिस इज अ मशीन, तो इसको इनपुट में कुछ चाहिए और ये इनपुट क्या करता है, वो उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है। मीन्स अगर यहाँ इनपुट लेगा तो ये इस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। और इनपुट में क्या मिलता है उसको, इनपुट में हमेशा इसके लिए अवेलेबल एनर्जी होनी चाहिए, यानी एनर्जी का जो एक फॉर्म होता है उस एनर्जी के एक फॉर्म को वो कन्वर्ट करता है जिसमें जो आपका यूजफुल वर्क होता है उसमें, यानी अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी को वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता है। यही जो डिवाइस होती है उसी को आप बोलते हैं मशीन। हमने पहले कहा दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स आर बॉडीज, मीन्स बहुत सारे पार्ट्स या बॉडीज से मिलकर के मशीन बनती है। और ये मशीन एक यूजफुल डिवाइस में तभी कन्वर्ट हो सकती है जब उनके पार्ट्स के बीच में एक रिलेटिव मोशन हो, क्योंकि एक डेफिनेट डायरेक्शन में आपको मोशन को या एनर्जी को ट्रांसफर करना होगा, अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी को, तभी आपको यूजफुल वर्क मिलेगा। क्योंकि जो आप डिवाइस एस्टेब्लिश करेंगे उस डिवाइस को चलाने के लिए एक डेफिनेट डायरेक्शन चाहिए होती है। तो ये जो पार्ट्स जिनसे मिलकर के ये मशीन बनती है अगर उनके बीच में रिलेटिव मोशन होती है तो इसी के थ्रू ये मशीन अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकती है। तो सिंपल वर्ड में अगर हम कहें कि मशीन है क्या, तो मशीन एक तरीके की डिवाइस है जिसका काम होता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना, दैट इज नोन एज मशीन। अब इस मशीन के थ्रू अगर आप चलेंगे तो मशीन में ही जो उसका पार्ट्स है या बॉडीज है जिससे मिलकर के वो मशीन बनती है, अगर उन्हीं पार्ट्स या बॉडीज को यानी उनमें से किसी एक को अगर आप फिक्स कर देते हैं, तो फिक्स करने के बाद जो आपको अरेंजमेंट मिलता है उसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ से एक्चुअली मैकेनिज्म को हमें थोड़ा सा डीप में इसकी स्टडी करनी होगी, तो इसके लिए थोड़ा आगे चलेंगे। ठीक, तो ये मशीन आपको क्लियर हो गई होगी कि ये अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता है, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होता है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि मशीन वाले पार्ट्स में, तो ये जो मिलता किससे, पार्ट्स या बॉडीज से, तो इसमें जो टर्म आता है वो आता है एलिमेंट आर, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक एलिमेंट, एलिमेंट आर बॉडीज। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट या बॉडीज क्या है। एक्चुअली पहले आपने कहा कि ये जो है मशीन बहुत सारे पार्ट्स या आपका जो बॉडीज है उनसे मिलकर के बनता है, तो किसको आप ये काइनेमेटिक एलिमेंट कहेंगे या बॉडीज कहेंगे। तो काइनेमेटिक एलिमेंट या बॉडीज कहने के लिए क्या होता है कि ईच पार्ट ऑफ मशीन व्हिच हैव सम रिलेटिव मोशन विद सम अनदर पार्ट ऑफ बॉडी और मशीन, दैट इज नोन एज लिंक आर काइनेमेटिक लिंक आर सिंपली कॉल्ड बॉडीज। एक पार्ट जो मशीन का है अगर वो किसी दूसरे पार्ट के रेफरेंस में रिलेटिव मोशन करता है, और वो रिलेटिव मोशन कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी डेफिनेट डायरेक्शन, वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मोशन होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दैट इज कॉल्ड एज लिंक, उसको आप लिंक बोलेंगे सिंपली, यानी काइनेमेटिक लिंक या फिर बॉडीज, ये वही टर्म हो जाएगा।
अब अगर यहाँ पे काइनेमेटिक लिंक या बॉडीज को समझना है तो आप कैसे बता पाएंगे? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेसिप्रोकेटिंग इंजन, ये आपको स्टीम इंजन है, दैट इज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग टाइप। और इस रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ लिंक्स को हम कैसे काउंट कर सकते हैं, या किनको आप लिंक बोलेंगे किनको लिंक नहीं बोलेंगे, ये चीज़ हमें देखनी है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखते हैं कि लिंक जो होती है उसमें भी अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मान लीजिए ये लिंक है, ये दो पार्ट हैं और ये दोनों पार्ट एक दूसरे से इस तरीके से मिलकर के बने हों, बीच में आपने कोई ऐसा पार्ट नट बोल्ट या स्क्रू समथिंग कुछ ऐसा लगा करके इनको फिक्स कर दिया और इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही, तो ये दोनों मिला करके आप देखेंगे तो ये अपने आप में एक काइनेमेटिक लिंक फॉर्म करते हैं। दिस इज द काइनेमेटिक लिंक, यानी एक लिंक जो होती है दैट इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ सम अनदर पार्ट बट दे डोंट हैव रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। बहुत सारे पार्ट से मिलकर के वो खुद बन सकता है लेकिन उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी। अगर रिलेटिव मोशन होगी तो वहां पे वो अपने आप में खुद में एक काइनेमेटिक लिंक फॉर्म करेगा, फिर वो चीज अपने आप में एक लिंक हो जाएगी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जो रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन है हमारे पास, इस रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन में आप लिंक को देखें तो देखिए यहाँ पे ये आपका पिस्टन का पार्ट है और पिस्टन जो है वो सिलेंडर में मूव करता है, इस तरह से स्लाइड करता है। तो जो पिस्टन है पिस्टन की रॉड है, यानी ये बड़ी सी रॉड लगी हुई है जो यहाँ से यहाँ तक है और इसके साथ आपका ये क्रॉस स्लाइड लगा होता है। जो क्रॉस स्लाइड है दिस इज द क्रॉस स्लाइड, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है क्रॉस स्लाइड का है और ये क्रॉस स्लाइड इस पे यहाँ से यहाँ तक इस तरह से स्लाइड करता है। तो आप ये देखेंगे कि ये पूरा का पूरा पार्ट यानी पिस्टन विद पिस्टन रॉड एंड क्रॉस स्लाइड, ये पूरा एक साथ इस तरह से मूवमेंट लेता है, इस तरह से एक स्लाइडिंग मोशन करता है। तो इस पूरे पार्ट को अगर आप देखेंगे तो आप इसको एक सिंगल लिंक बोलेंगे और ये विद रिस्पेक्ट टू दिस सिलेंडर एक मोशन रिलेटिव मोशन कर रहा है, तो ये क्या हुई, एक सिंगल लिंक हुई। यानी इस रेसिप्रोकेटिंग इंजन में आपको ये सबसे पहली लिंक मिली, दिस इज द फर्स्ट लिंक। सेकेंड लिंक की बात अगर आप करें तो ये यहाँ पे दूसरा पार्ट लगा हुआ है कनेक्टिंग रॉड का। कनेक्टिंग रॉड जो होता है हमेशा स्मॉल एंड बियरिंग एंड बिग एंड बियरिंग से मिलकर बना होता है। स्मॉल एंड बियरिंग आप देखेंगे तो हमेशा पिस्टन पार्ट की तरफ लगती है जबकि जो बिग एंड बियरिंग होती है वो हमेशा क्रैंक के साथ जुड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कनेक्टिंग रॉड है ये कनेक्टिंग रॉड विथ स्मॉल एंड एंड बिग एंड बियरिंग दोनों को मिला करके अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के साथ ये मिल करके एक दूसरी लिंक बनाती है क्योंकि ये इसी बियरिंग के रिस्पेक्ट में यानी इनके और इस क्रैंक के रिस्पेक्ट में ये मोशन करती है, एक रिलेटिव मोशन वहां पे क्रिएट कर रही है। तो अगर ऐसा होता है तो ये आपकी दूसरी लिंक हो जाएगी। आप थर्ड लिंक के बारे में बात करें तो आपका जो क्रैंक होता है विथ क्रैंक शाफ्ट, ये आपका पार्ट जो होता है तो दिख रहा है ये शाफ्ट होता है, उसी शाफ्ट में आपको पता है कि क्या लगी थी, फ्लाई व्हील, और ये फ्लाई व्हील को साथ लेकर के रोटेट करता है इस तरह से। अगर यहाँ फ्लाई व्हील लगी हो तो फ्लाई व्हील के साथ ये रोटेट करेगा। तो क्रैंक विथ क्रैंक शाफ्ट एंड फ्लाई व्हील ये तीनों मिलकर के आपकी तीसरी लिंक बनाते हैं, यानी दिस इज द थर्ड लिंक और ये आपकी है सेकेंड लिंक। तो तीन लिंक तो आपको समझ में आ गई। चौथी लिंक आपकी जो होती है वो फिक्स लिंक होती है, मीन्स इंजन का जो मेन फ्रेम होता है, जो सबसे मेन बॉडी होती है, जो फिक्स होती है, जिसपे पूरा का पूरा मैटर सेटअप किया जा रहा है, पूरा अरेंजमेंट दिया जा रहा है, वो आपकी चौथी लिंक होगी। यानी इस इंजन की जो मेन बियरिंग है उस मेन बियरिंग को प्लस इसका जो फ्रेम है इन सबको जोड़ करके एक साथ जितना भी ये फिक्सिंग पार्ट है वो मिलकर के आपकी ये फोर्थ लिंक बनाता है। तो इस तरह से आपका जो स्टीम इंजन है, इस रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन में, इस रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन में आपके टोटल कितनी लिंक हो गई, फोर। तो वन पिस्टन, पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड, सेकंड कनेक्टिंग रॉड विद बिग एंड स्मॉल एंड बियरिंग, थर्ड क्रैंक, क्रैंक शाफ्ट एंड फ्लाई व्हील एंड फोर्थ इज द फिक्स्ड फ्रेम। तो यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिली जिसको आपको ध्यान में रखना है वो क्या है कि कोई भी पार्ट जो कि जिससे मशीन मिलकर के बनी हुई है वो एक काइनामेटिक लिंक हो सकता है अगर उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हों। पहला कि काइनेमेटिक लिंक या बॉडी होने के लिए क्या दो इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। द फर्स्ट वन इज, पहले इसमें है रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन ऑफ पार्ट, जो भी पार्ट्स आप ले रहे हैं उसमें एक रिलेटिव मोशन हो। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, दैट इज द बॉडी शुड बी अ रेजिस्टेंट बॉडी, बॉडी शुड बी अ रेजिस्टेंट बॉडी। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो पार्ट्स या बॉडी जिससे मिलकर के मशीन बन रही वो एक रेजिस्टेंट बॉडी होनी चाहिए रैदर देन की रिजिड बॉडी।
और यहाँ आपको बहुत ही क्लियरली इन दोनों चीजों के बारे में डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि एक रेजिस्टेंट बॉडी और एक रिजिड बॉडी, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंट बॉडी या फिर रिजिड बॉडी जो होती है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक, अब अगर यहाँ थोड़ा सा हम लोग बात करें, थोड़ा सा यहाँ बात करें कि रेजिस्टेंट एंड रिजिड बॉडी, तो देखिए पहला अगर हम इसमें टर्म लेते हैं कि व्हाट इज द रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी अगर आप देखेंगे तो रिजिड बॉडी एक्चुअली वो बॉडी होती है जिसमें अगर फोर्स अप्लाई किया जाए यानी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स उनके बीच में कोई भी डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं होता। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनमें अगर कोई दो पॉइंट, मान लीजिए दिस इज अ बॉडी और इन बॉडी के बीच में कोई दो पॉइंट आप कंसिडर करेंगे, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, आप इसमें मान लीजिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ताकि आपकी जो भी मोशन है या पावर है उसको आप ट्रांसमिट कर सकें, तो इसके लिए आप इन दोनों अगर पार्ट्स को यानी दोनों जो पॉइंट है ए और बी हैं इनको देखें तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है अगर आप इसको एक्स मानिए तो ये एक्स की जो डिस्टेंस है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स हमेशा एक्स ही बनी रहनी चाहिए, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट शुड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी वो हमेशा वैसा का वैसा कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, यानी देयर शुड नॉट बी एनी डिस्टॉर्शन बिटवीन दीज पॉइंट्स, दीज बॉडी, इस बॉडी के बीच में कोई डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं होना चाहिए, दैट इज नोन एज द रिजिड बॉडी। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंट बॉडी की बात करते हैं तो रेजिस्टेंट बॉडी जो होती है यानी इसकी बात अगर आप करें तो रेजिस्टेंट बॉडी जो होती है वो भी एक रिजिड बॉडी होती है बट दैट इज लिमिटेड फॉर द सर्विसिंग पीरियड, जिस पीरियड में यानी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स जब आप फोर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं या पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन के लिए एक लिमिटेड टाइम के लिए एक लिमिटेड सर्विंग पर्पस के लिए ही वो केवल रेजिस्टेंट रिजिड बॉडी होती है, अदरवाइज वो एक फ्लेक्सिबल बॉडी या फिर सेमी रिजिड बॉडी हो सकती है। अगर एग्जांपल की बात करें हम लोग कि रेजिस्टेंट बॉडी क्या है एक्चुअली, तो उसमें हम अगर समझें कि आपने देखा होगा कि जो बेल्ट एंड पुली का सिस्टम होता है बेल्ट आप देखिए फ्लक्चुएट करती है लेकिन अंडर द टेंशन जब वो टेंशन उसमें बहुत ज्यादा होता है तो बिल्कुल बेल्ट टाइट हो जाती है और उस कंडीशन में वो एक रिजिड बॉडी जैसा बिहेव करती है। एंड बियॉन्ड दिस पॉइंट, उस पॉइंट के बाद अगर आप चाहे उधर देखेंगे तो ब्लड जो होती है वो फ्लक्चुएट करती है, इसका मतलब है कि वो कैसी बॉडी की तरह बिहेव कर रही है, बाद में फ्लेक्सिबल बॉडी हो जा रही है लेकिन जब अंडर टेंशन है तो एक रिजिड बॉडी जैसा बिहेव कर रही है, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंट बॉडी। दूसरा आप पॉइंट अगर कंसिडर करें तो कई बार ऐसा होता है कि आप पावर को ट्रांसफर करने के लिए फ्लूइड का सहारा लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे इसी पाइप के अंदर आपको हाइड्रोलिक ब्रेक लगा रहे हैं आप और इसके अंदर यहाँ पे हाइड्रोलिक फ्लूड भरा हुआ है, तो जब आप फ्लूड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं तो फ्लूड जो होता है वो एक लिमिट तक जाकर के कंप्रेस होता है, इसके बाद वो क्या करेगा आपकी जो मोशन या पावर है वो उसको आगे ट्रांसफर करता है, तो अंडर द कंप्रेशन या अंडर द प्रेशर वो आपका फ्लूड जो हाइड्रोलिक केसिंग में भरा होता है वो भी एक रेजिस्टेंट बॉडी जैसा बिहेव करता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है एक रेजिस्टेंट बॉडी और एक जो रिजिड बॉडी होती है उसके बीच में, यानी रिजिड बॉडी जो होती है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स उसमें कोई डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं होता है लेकिन रेजिस्टेंट बॉडी जो होती है वो एक लिमिटिंग पीरियड यानी जब सर्विंग जितना टाइम तक आप उस पे सर्विस ले रहे हैं उस टाइम तक ही केवल रिजिड बॉडी जैसा बिहेव करती है, अदरवाइज वो एक फ्लेक्सिबल बॉडी या फिर एक सेमी रिजिड बॉडी जैसा बिहेव करती है। तो आई होप कि आपको ये दोनों टर्म क्लियर हो गए होंगे रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंट बॉडी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पार्ट जो जिससे मशीन मिलकर के बन रही है वो अगर एक काइनेमेटिक लिंक है तो उस लिंक होने के लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसमें रिलेटिव मोशन होना चाहिए किसी दूसरे पार्ट के रिस्पेक्ट में, और दूसरा है कि वो बॉडी रेजिस्टेंट बॉडी होनी चाहिए रेदर देन रिजिड बॉडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एक्चुअली है जो दूसरा टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ लिंक है जिसमें कैसे डिफाइन करें यानी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ लिंक, टाइप्स ऑफ लिंक, टाइप्स ऑफ लिंक में सबसे पहला अगर हम लोग डिस्कस करें द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रिजिड लिंक, पहला हम लोग जो बात कर रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिजिड लिंक, इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहला है रिजिड लिंक।
अभी हमने डिस्कस किया रिजिड लिंक या रिजिड बॉडी, वैसे ही तरीके से है ये। तो कोई भी लिंक एक रिजिड लिंक होती है अगर अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। यानी एज इट इज, जैसा आप पावर या फिर मोशन को ट्रांसफर कर रहे हुए वैसे का वैसा पूरा का पूरा बिना किसी डिस्टॉर्शन के या डिफॉर्मेशन के वो आगे जहां भी ट्रांसफर कर रहे हैं वो उसमें ट्रांसफर हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो दैट टाइप ऑफ लिंक इज नोन एज द रिजिड लिंक, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो कोई भी लिंक जो होती है वो रिजिड लिंक एग्जिस्ट ही नहीं करती। देयर इज नो एनी परफेक्ट बॉडी दैट कैन नॉट बी डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ लोड। कुछ ना कुछ उसमें डिफॉर्मेशन जरूर हो जाता है। तो कुछ कंसिडरेशंस होते हैं जो एक लेवल तक इस आपका जो अरेंजमेंट है उसको अगर फॉलो करते हैं, उसकी कंडीशंस को फॉलो करते हैं, तो आप उसको एक लेवल तक वो चीज़ मान सकते हैं। जैसे कि रिजिड लिंक में अगर आप इस रेसिप्रोकेटिंग स्टेम इंजन में देखें तो देयर आर टू पार्ट्स, दैट इज कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। ये जो दोनों पार्ट आपके होते हैं इन दोनों में जब भी मोशन या पावर को आप ट्रांसफर करेंगे तो इन दोनों में एक लिमिट तक ऐसा होता है कि किसी तरह का डिस्फॉर्मेशन या डिस्टॉर्शन नहीं होता है, लगभग ऐसा माना जाता है, ये हमारा कंसीडरेशन होता है। तो इस कंसीडरेशन के थ्रू हम ये मान सकते हैं कि जो रिजिड लिंक है वो उसमें आप किसको कंसीडर कर सकते हैं, एक तो आपका है कनेक्टिंग रॉड, द वन इज कनेक्टिंग रॉड एंड सेकेंड इज द क्रैंक और दूसरा आपका है क्रैंक। यानी देर आर टू पार्ट्स इन स्टीम इंजन दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ रिजिड लिंक, ठीक है। सेकेंड इज द फ्लेक्सिबल लिंक, जो दूसरा पार्ट आपका है वो है फ्लेक्सिबल लिंक का। अब देखिए फ्लेक्सिबल लिंक का आप किसको कहेंगे, ऐसी लिंक जो मोशन या पावर को ट्रांसफर करे लेकिन यानी दैट कैन मे बी फ्लेक्सिबिलिटी देन कैन हैव दैट कैन हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी बट इट ट्रांसफर द होल अमाउंट ऑफ फोर्स और पावर विथ इट्स मोशन विदाउट अफेक्टिंग इट। बिना पावर या मोशन को अफेक्ट किए, बिना उसको प्रभावित किए अगर ये पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दे रहा है तो इस तरह की जो लिंक होती है उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल लिंक। अब फ्लेक्सिबल लिंक में किसको आप मान सकते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं फ्लक्चुएट करते हैं। उसमें आप जैसे ले सकते हैं बेल्ट एंड पुली, बेल्ट को आप ले लीजिए, चेन को ले लीजिए, रोप को ले लीजिए, वायर को ले लीजिए, ये सारे पार्ट्स आप देखेंगे अगर इनके थ्रू आप मोशन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो मोशन तो ट्रांसफर होती है लेकिन इनमें आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा आपके पास जो पार्ट है एंड थर्ड इज द फ्लूड लिंक। फ्लूड लिंक एक्चुअली जब फ्लूड को किसी रिसेप्टेकल्स यानी एक हाइड्रोलिक केसिंग में कंसीडर किया जाता है और उसका यूज मोशन या पावर को ट्रांसफर करने में किया जाए तो ऐसी कंडीशन में जो लिंक का फॉर्मेशन हो रहा है उसको आप बोलते हैं फ्लूड लिंक। और आपको पहले पता है कि अंडर द कंप्रेशन या प्रेशर जो आपका फ्लूड है वो कैसा बिहेव करता है, एज अ रिजिड सॉरी एज अ रेजिस्टेंट बॉडी। क्योंकि अगर रिलेटिव मोशन है और उसके साथ उसमें एक रेजिस्टेंट बॉडी भी है तो वो जो पार्ट होता है दैट बिहेव्स लाइक एज अ काइनेमेटिक लिंक। तो यहाँ आपका जो फ्लूड लिंक है वो उसमें आप मान सकते हैं कि जैसे आप हाइड्रोलिक रैम यूज करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर यूज करते हैं ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट्स होते हैं इनको आप जो है फ्लूड लिंक के तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। तो दीज आर द क्लासिफिकेशंस अबाउट द लिंक। दैट मींस कि अगर आपको लिंक को डिफाइन करना है उसकी क्लासिफिकेशंस की बात करें तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिंक। द फर्स्ट वन इज रिजिड लिंक, सेकंड इज द फ्लेक्सिबल लिंक एंड थर्ड इज द फ्लूड लिंक एंड ऑल हैव टू बी डिस्कस्ड अबाउट दैट। आई होप कि आपको समझ भी ये जरूर आया होगा। चलिए नेक्स्ट टर्म हम जो लेते हैं वो हम डिफाइन करेंगे कि स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, लिंक आपको पता हो चुका है एंड नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर अगर हम लें कंसीडर करें, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए स्ट्रक्चर जो होता है एक्चुअली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी ठीक है, रेजिस्टेंट बॉडीज जो होती हैं उनका एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन होता है, और ये जो असेंबली बनती है इनके बीच में वो इस तरीके से बनती है, वो फिक्स होती है, दैट मींस इनके बीच में किसी तरह का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, और इस असेंबली से जो भी अरेंजमेंट आपको मिल रहा है उसी अरेंजमेंट को आप बोलते हैं स्ट्रक्चर। यानी स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज एक्चुअली द असेंबलीज ऑफ द रेजिस्टेंट बॉडीज which are connected in such a way that they all have no relative motion between them, किसी तरह का कोई relative motion उनके बीच में अगर नहीं हो रहा है तो ये structure की तरीके से behave करेगा। अब example अगर आपको लेना है तो आप railway bridges ले सकते हैं, roof ले सकते हैं, जो आपके बड़े बड़े बिजली के खंभे होते हैं उनमें trusses लगती हैं, वो सब आपके जो होते हैं structure होते हैं, क्योंकि जो भी असेंबली बनती है उनके बीच में उनको फिक्स रखा जाता है, उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती है। यानी इसका यूज आप किसके लिए करते हैं, लोड को कैरी करने के लिए, है ना, कोई मोशन ट्रांसफर नहीं होती है उसमें, इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती, केवल लोड कैरी होता है, यानी फोर्स को कैरी करते हैं ठीक। अगर हम डिफरेंशिएट करें स्ट्रक्चर एंड मशीन को कि व्हाट आर द डिफरेंस, तो डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड मशीन, तो पहला डिफरेंस अगर हम बात करें कि इनके बीच में पहला डिफरेंस क्या है, तो पहला डिफरेंस ये होता है कि आपको पता है कि मशीन जो होती है वो यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी को एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और उनके जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो वह एनर्जी के किसी भी फॉर्म का कन्वर्जन नहीं करता है, और ना ही उनके बीच में यानी उनके पार्ट्स के बीच में कोई तरह की रिलेटिव मोशन होती है। आप अगर दूसरी बात करें, दूसरा बेसिक डिफरेंस क्या है, तो दूसरा बेसिक डिफरेंस होता है कि जो मशीन होती है उसमें पावर और मोशन दोनों ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं, उसका ट्रांसमिशन होता है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो ये केवल लोड या फोर्स को कैरी करता है, तो ये इनके बीच का डिफरेंस हो गया जो आप एक स्ट्रक्चर और एक मशीन के बीच में डिफरेंस बनाते हैं ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको और भी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा, और अगर आपको कोई भी चीज़ या कोई भी पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे ये समझ में आए कि हाँ इस चीज़ पे थोड़ा सा और मुझे फोकस करना चाहिए ठीक है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि मुझे जो है इस चीज़ से हमेशा एक इनकरेजमेंट मिलेगा कि मैं आपके लिए और बेहतर करूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।